नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र के जदिया थाना अंतर्गत भिकारी चौक फसिया कोठी समीप ऑटो रिक्शा और कार की जोरदार टक्कर में आधा दर्जन लोग घायल होने की है। जदिया थाना अध्यक्ष राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि संध्या समय पूर्णिया से आ रही ऑटो रिक्शा और जदिया की ओर जा रही XUV कार थाना क्षेत्र के भिखारी चौक फसिया कोठी समीप सुपौल अररिया मुख्य सड़क मार्ग पर जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो रिक्शा पर सवार महिला पुरुष चालक सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर सभी घायल व्यक्तियों को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। ऑटो रिक्शा पर सवार घायल लोग पिपरा थाना क्षेत्र के ठाड़ी भवानीपुर के रहने वाले हैं, जो पूर्णिया इलाज के लिए गया हुआ था। वापस पूर्णिया से घर लौटने के क्रम में जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत भिकारी चौक समीप जोरदार टक्कर हो गई। वहीं डॉक्टर ने बताया कि ऑटो रिक्शा से हुई दुर्घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें 5 लोगों की हालत गंभीर है, जिसे प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। वहीं एक की हालत ठीक है, खतरे से बाहर है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सर, क्या मामला था एक्सीडेंट का? जदिया थाना अंतर्गत बघेली ग्राम के पास भिखारी मोड़ पे एक स्कॉर्पियो और टेम्पो में टक्कर हो गई, जिसमें टेम्पो पे सवार 6 व्यक्ति काफी घायल हो गए हैं, जिसमें 3 की हालत काफी गंभीर है। हम लोगों ने 6 घायल को रेफर स्थल में लाया है, 3 व्यक्ति को यहाँ से रेफर किया जा रहा है। स्थिति सामान्य है, मतलब 6 था तो 6 का स्थिति गंभीर है। 6 का स्थिति गंभीर है, जिसमें 3 की हालत काफी चिंताजनक है। अच्छा, ये 6 में 3 की चिंताजनक हालत है उसका, और 3 अभी ठीक सुरक्षित है। जी। यहाँ पे कहाँ पे आप लाए हैं ये लोग? रेफरल अस्पताल अस्पताल त्रिवेणीगंज से। बताया जा रहा है कि ये लोग रानीगंज के रहने वाले हैं, पूर्णिया से इलाज करा के ये लोग वापस आ रहे थे, जिसमें ये घटना घटी। भिखारी चौक के समीप हुआ, जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत। जदिया थाना क्षेत्र में भिखारी चौक के पास। क्या नाम हुआ आपका? दिलसाना। दिलसाना खातून। दिलसाना खातून, घर कहाँ आपका? ठाड़ी भवानीपुर। ठाड़ी भवानीपुर, महेशपुर ठाड़ी भवानीपुर। जी। अच्छा, तो आप लोग कहाँ गए थे? पूर्णिया गए थे डॉक्टर के पास इलाज करने। क्या चीज से गए थे? टेम्पो से। कितने लोग थे आप लोग? 3 आदमी, एक टेम्पो वाला, 4 आदमी। अच्छा, उधर से आप लोग पूर्णिया से आ रहे थे वापिस? आ रहे थे। हाँ, तो फिर कैसे हुआ? डॉक्टर भर्ती ले लिया, हम बोले कि ना हम घर जाएंगे, बच्चा सबको देखेंगे तब हम ऑपरेशन कराएंगे। टेम्पो से जो आप लोग आ रहे थे, तो कौन चीज टक्कर हुआ? मारुति था, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो देख लिए, लेकिन उनसे कुछ समझ में नहीं। टेम्पो में 6 आदमी थे ना, गिर लिए के ना भेले, लेकिन मोड़ते लगते देख लिए। अच्छा, लड़ते हुए। आप लोगों का घर ठाड़ी भवानीपुर हुआ ना, वार्ड नंबर कितना है? 7 नंबर वार्ड है। सर, अभी आपके यहाँ पेशेंट आया था, कैसा पेशेंट था? 6 पेशेंट है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, जो क्रिटिकल है, सभी को यहाँ प्राथमिक उपचार करके रेफर किया है। यहाँ से प्राथमिक उपचार करके रेफर किया गया। हालत नाजुक है, कैसा है? सब क्रिटिकल है, नाजुक है। 6 का? हाँ जी, 1 है उतना नहीं है, लेकिन 5 क्रिटिकल है। अच्छा, ये कैसे हुआ था? ये एक्सीडेंट हुआ है, अब कौन चीज़ से हुआ इतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट वाला मामला था। हाँ, एक्सीडेंट का। रिपोर्टर जिला ब्यूरो चीफ शहबाज खान की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।